नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कंप्लीट हेल्थ केयर चैनल हेल्थ वाटिका में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वस्तु की जिसका इस्तेमाल हम में से ज्यादातर लोग अपने खाने में करते हैं, लेकिन उसके अंदर पाए जाने वाले बेशुमार चमत्कारिक गुणों से अनभिज्ञ हैं। आज हम उस वस्तु के सभी औषधीय गुणों और फायदों से अवगत कराएंगे, लेकिन सबसे पहले उस वस्तु का नाम बता देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्याज की। दोस्तों, प्याज की विशेषताओं का हम जितना बखान करें उतना कम है, बल्कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 100 बीमारियों की एक दवा है ये प्याज। तो चलिए जान लेते हैं इस प्याज की एक से बढ़कर एक खूबियों के बारे में। प्याज का उपयोग कच्चे एवं पक्के दोनों रूपों में किया जाता है। हो सकता है आपको इसकी गंध पसंद ना हो, लेकिन इसके चमत्कारिक गुणों को जानकर आप भी इसका उपयोग करना शुरू कर देंगे। प्याज में विटामिन सी, लोहा, गंधक, तांबे आदि पाए जाते हैं। इनसे शारीरिक शक्ति बढ़ती है। भोजन के साथ कच्चा प्याज खाना बहुत फायदेमंद होता है। तो आइए जानते हैं कि प्याज के क्या क्या लाभ हैं और इसका उपयोग किस किस तरह से किया जा सकता है। प्याज का रस कनपट्टी और छाती में लगाने से लू नहीं लगती है। भोजन के साथ कच्चा प्याज खाना बहुत फायदेमंद होता है। कान में दर्द या कान बहने की समस्या होने पर प्याज के रस को हल्का गर्म करके कान में डालने से आराम मिलता है। आधा कप सफेद प्याज के रस में गुड़ और पिसी हुई हल्दी मिलाकर सुबह शाम पीने से पीलिया में बहुत फायदा होता है। छोटे प्याज को छीलकर चौकोर काटकर नींबू के रस में भिगो दें। ऊपर से नमक और काली मिर्च डाल दें, फिर इसका सेवन करने से पीलिया ठीक हो जाता है। प्याज से दिल की धमनियों में खून के थक्के नहीं जमते हैं, यह दिल की सुरक्षा करता है। प्याज खून को गाढ़ा बनाता है और उसे पतला होने से रोकता है। अगर किसी को कुत्ता काट ले तो काटे हुए स्थान पर प्याज को पीसकर शहद के साथ मिलाकर लगाने से विष का प्रभाव कम हो जाता है। सरसों के तेल और प्याज के रस को मिलाकर मालिश करने से गठिया और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। प्याज के रस में शहद मिलाकर चाटने से दमा और खांसी में कमी आती है। मिर्गी, हिस्टीरिया और पांडु रोग में भी प्याज फायदेमंद है। बच्चों को बदहजमी होने पर उन्हें प्याज के रस की 3-4 बूंदें चटाने से लाभ होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हेल्थ वाटिका के अगले एपिसोड में कुछ नए और नायाब नुस्खे के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड बाय।